मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरा तो पिछला वीडियो था कि व्हाट इज द रीजन फॉर द सेफ्टी एंड व्हाट इज सेफ्टी एंड व्हाट इज हजार्ड। आप दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, कुछ लोगों का अच्छा बहुत अच्छा कमेंट आया, कुछ सजेशन भी आया जिसको मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जिन्होंने मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड आप कमेंट करते रहें ताकि मुझे अपना पता चले कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है और आपको किस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है। तो जैसे कि मुझे किसी मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि सर प्लीज़ आप मुझे वीडियो बना के दें कि रीजन क्या है एक्सीडेंट के, तो मैं आज आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ कि रीजन ऑफ द एक्सीडेंट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है एक्सीडेंट क्या होता है, उसके बाद हम उसको रीजन जान पाएंगे कि रीजन क्या है। तो सबसे पहला चीज जो यहाँ पे जानने की जरूरत है एक्सीडेंट क्या होता है। कोई भी अनप्लान्ड अनडिजायर इवेंट, कोई भी अनप्लान्ड अनडिजायर इवेंट जो हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, जो हमें या मेरे एनवायरमेंट को या प्रॉपर्टी को उससे किसी तरह का नुकसान होता है उसे हम एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहले पता चला कि व्हाट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद हमें ये पता करना है कि रीजन फॉर द एक्सीडेंट। तो इसमें सबसे पहली बात है दो रीजन है, ठीक है, एक होता है अनसेफ एक्ट और एक होता है अनसेफ कंडीशन। ठीक है, ये जब दोनों मिलते हैं, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक कोई जगह होता है जहां एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसे बोला जाता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। अब किसी का क्वेश्चन आएगा सर अनसेफ एक्ट क्या है और अनसेफ कंडीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अनसेफ एक्ट जो हम काम करते हैं, जो हमारे प्रोसीजर के अगेंस्ट है, प्रोसीजर के अलावा है जिससे कि किसी तरह का नुकसान होने की संभावना हो उसे हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं। और यही सेम चीज है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या होता है कि वो कोई ये फिजिकल जो हैजार्ड अवेलेबल हो, जो किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, जो प्रोसीजर के अगेंस्ट हो, जो हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, वो हम इसे फिजिकल ये अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। जब इन दोनों का जहां मैचअप होता है, इन दोनों का अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन का जो मैचअप होता है वो 98% जो ये 98% जो चांसेस होते हैं ये इन्हीं की वजह से होते हैं। ये 2% जो होता है वो 2% केवल नेचुरल क्लाइमिटीज की वजह से होता है। मान लीजिए कोई बड़ा फ्लड हो गया या कोई भूकंप हो गया, इस तरह का जो एक्टिविटी होता है वो नेचुरल क्लाइमिटीज में आते हैं, लेकिन बाकी ये 98% एक्सीडेंट केवल अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के वजह से ही होता है। अब हम ये बोलते हैं कि सर कोई चीज तो हमारे लिए हम काम करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कंडीशन जो एक्ट मैं कर रहा हूं वो किसी और के लिए अनसेफ कंडीशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि कोई इक्विपमेंट का कोई गाड़ी का मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस तो मैं कर रहा हूं लेकिन मेंटेनेंस मैं अगर अनसेफ एक्ट कर रहा हूं तो जो गाड़ी या इक्विपमेंट चलाने वाला है उसके लिए वो कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, तो वो जब दोनों मैच करेगा, अनसेफ एक्ट मैंने किया और अनसेफ कंडीशन उसके लिए हो गया, लेकिन वो आगे चल के उसने भी क्या किया उसको चेक नहीं किया, तो वहां पे वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन जाएगा। तो ये जब दोनों मैच करता है तो हमारा एक्सीडेंट प्रोन एरिया बनता है। जैसे कि हम इसमें आपको पता होगा एक ट्रायंगल बनता है कि नंबर ऑफ 3 लाख जो है वो अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन रिपोर्टिंग किया और उसका हमने प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया तो हमारा एक फैटलिटी बच जाएगा। ठीक है, 600 अगर नियर मिस रिपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो एक और उसका प्रिवेंटिव एक्शन ले लेते हैं तो एक हमारा फैटलिटी बच जाएगा। इसी तरह अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन रिपोर्टिंग होते हैं और उसका प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया जाता है तो एक बड़ा घटना है उसको बचाया जा सकता है। थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।